कृष्ण ने नर रूप में जन्म लिया था। नर रूप में वे पृथ्वी पर पधारे थे। कृष्ण का अस्तित्व जन्माष्टमी से ही नहीं है। कृष्ण तो परात्पर ब्रह्म है, सृष्टि के नियंता है, सर्वोपरि सत्ता है। उस सर्वोपरि सत्ता ने आज से करीब कुछ वर्ष पहले 5,246 वर्ष पहले नर रूप में इस पृथ्वी पर, इस वृंदावन में, इस मथुरा में जन्म लिया था। यहीं से शुरुआत नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। वो अनादि है, अनंत है, परात्पर है, सबसे बड़े हैं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि कृष्ण तो अभी हुए 5,000 साल पहले। अरे अभी उन्होंने नर रूप में जन्म लिया, कृष्ण तो पहले से ही थे। वो तो विराजमान अनादि काल से सृष्टि के नियंता वही है। तो आप व्रत इस प्रकार से ऐच्छिक रूप से आप ये भी ध्यान रखें, शास्त्र में उपासना के अनेक विकल्प दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक ही विकल्प हो कि हम वही करें बस, नहीं, बहुत विकल्प हैं। इसीलिए विभिन्न परंपराओं में, विभिन्न संप्रदायों में किसी एक विकल्प को ले लिया जाता है। वे भी सही हैं, आप भी सही हैं, मैं भी सही हूँ, सब सही हैं। बात उपासना की है, बात निष्ठा की है, बात दूसरे की निंदा की नहीं है, दूसरे के मत को गलत ठहराने की नहीं है, बात अपनी कहने की है और अपनी बात में, अपनी निष्ठा में दृढ़ होने की आवश्यकता है। जय श्री राधे, जय निताई।